bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum i hope you all are fine and staying safe and happy i am your science teacher ms farheen and i welcome you all to your science class my dear students as you know that we are on unit uh, on chapter number 3 that is flowers and seeds and today i will deliver its fourth lecture so my dear students let's start the chapter uh, and today's lecture with the recap of previous lecture so quickly listen to the questions very carefully and then answer them differentiate, differentiate between sexual and asexual reproduction very good in asexual reproduction there are no uh, flowers that are uh, though there are no male and female parts are required uh, in asexual reproduction only vegetative parts are uh, included in sexual reproduction male and female parts are needed sexual reproduction more plants uh, are produced and it takes less less time in sexual reproduction more time is required and less plants grow from it from the seeds and um, uh, in asexual reproductions the resultant plants are the copy of their parents and in sexual reproduction the uh, resultant plants are a little different or they are uh, there is slight variation in them than their parents so my dear students and the examples of asexual reproduction is onion garlic rose

तो आप मुझे ये बताएं कि क्या सीड्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से या आपको सब सीड्स एक जैसे लगते हैं एज यू कैन सी that सीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन another. आप अगर इनको जस्ट बाय द फिजिकल अपेयरेंस आप इनको देखें तो कुछ सीड्स बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ राउंड होते हैं कुछ फ्लैट होते हैं कलर डिफरेंट होता है इनका तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सीड्स आर डिफरेंट फ्राम वन एन अदर लेकिन इसके अलावा भी सीड्स के अंदर काफ़ी डिफ्रेंसेज हैं वी विल स्टडी अबाउट दैम इन टो डेज लेक्चर सो माई डियर स्टूडेंट्स इन टोडेज लेक्चर बाय द एंड ऑफ द डेज लेक्चर ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स जर्मिनेशन सो माई डियर स्टूडेंट्स सीड जो है वो जर्मिनेट करता है छोटा सा नन्ना सा पौधा उसके अंदर से निकलता है और उसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक सीड के अंदर से एक पौधा निकल आता है सोचा इस बात के ऊपर ना जरा कि एक नन्हे से सीड के अंदर से पौधा कैसे निकल आता है सो वी आर गोना स्टडी अबाउट दैट सो लेट्स क्विकली लुक एट इस्लामिक डू यू नॉट सी वॉट यू सो इज इट यू दैट मेक इट ग्रो और आर वी द ग्रोअर्स सो माई डियर स्टूडेंट्स अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि जब आप एक बीज को बोते हैं तो क्या हम उसको उगाते हैं हम लोग हैं जो उसको उगाते हैं या अल्लाह ताला के हुक्म से वो उगता है डेफिनेटली अल्लाह तला चाहते हैं जो चीज वो होती है और अल्लाह तला के ही हुक्म से एक बीच के अंदर से जो है वो एक पौधा निकल आता है और फिर वो एक दरख्त में भी तब्दील हो जाता है सो माई डियर स्टूडेंट लेट्स हाउ इट लुक्स लाइक आपने कभी एक सीड को देखा है अंदर से देखा है कभी खोल के देखा है उसको कैसा लगता है नहीं देखा चले टूडे वी विल है लुक एट दैट so my dear students quickly open page number 42 in your science 5 books i hope everybody has opened the page let's quickly start the reading put your fingers where i will read structure of monocot and dicot seeds seed is the product of fertilization in flowering plants so my dear students apne pollination padi um uh, पोलेंस जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा में स्टिग्मा पे और वहाँ से जो है एक ट्यूब जो है वो ग्रो होती है टू द um, ओवरी और वहाँ से जो पोलेंस में स्पर्म सेल्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं ओवरी तक एंड देयर द फ्यूजन अकर बिटवीन द एग्स एंड द स्पर्म सो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर ठीक है तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो है वो सीड्स बनते हैं लेट्स रीड फर्दर सीड एक नन्हा सा बहुत स्मॉल आप सीड्स देखें कितने छोटे छोटे से होते हैं उसके अंदर एक डोरमेंट छोटा सा प्लांट होता है जो कि जब उसको पूरी कंडीशन जो है वो मिल जाती है तो वो ग्रो करता है जर्मिनेट करता है और एक बड़े पौधे में तब्दील हो जाता है या पौधा उसमें से निकल आता है सो so, इसका मतलब यह है कि पौधा जो है छोटा सा वो सीड के अंदर ही होता है सो टूडे वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि कैसे वो सीड के अंदर होता है सो सीड्स आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन प्रेजेंट इन दैम सो माई डियर स्टूडेंट्स जो सीड्स हैं उनको उनके बेसिस ऑफ कॉटेलिडन अब कॉटेलिडन क्या होता है ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ उनके कॉटेलिडन के बेस के ऊपर उनको दो डिफरेंट uh, टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है कॉटेलिडन होते हैं सीड के अंदर जो मैं आपको कह रही हूँ एक नन्ना सा पौधा होता है तो मोनो मीनस वन जिसके अंदर वन कॉटे वन लीफ होता है वन कॉटेडन लीफ होता है दैट इज मोनोकॉट सीड और जिसके अंदर दो कॉटेडन सीड्स लीव्स होते हैं दैट इज डायकॉट अभी मैं आपको आगे इनकी पिक्चर्स भी दिखाती हूँ सो मोनोकॉट एंड डायकॉट सीड्स बो टाइप्स ऑफ सीड्स पोजेस द बेसिक स्ट्रक्चर सच एज सीड कोट कॉटेलिडन एंड एम्ब्रियू हाउ सम डिफरेंसेस कैन ऑल्सो बी फाउंड सो दोनों जो सीड्स हैं मोनोकॉट और डायकॉट दोनों के अंदर सीडकोट भी होता है कॉटलेडन भी होता है और एम्ब्रियू भी होता है लेकिन इनके अंदर कुछ डिफ्रेंसेज भी हैं जो हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी so let's quickly look at the tidbits the oldest viable seed to have grown into a plant was a date palm seed estimated to be two thousand years old so my dear students इसका मतलब ये है कि अभी तक जो जिसकी आ, आपको तारीख से ये चीज़ मिलती है हमें साबित होती है कि एक सीड जो कि दो हजार साल पुराना था वो ग्रो हुआ इन टू अ न्यू प्लांट तो इसका क्या मतलब है कि उस नन्हे से सीड के अंदर जो है एक पौधा मौजूद था और वो सीड किसका था वो डेट पाम का यानी कि खजूर का खजूर का जो है वो बीज था और उसको जब जमीन में डाला गया तो इट ग्रू इन टू अ न्यू डेट पाम आ, प्लांट सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड दीज आर टू टाइप्स ऑफ सीड मोनोकॉर्ट एंड डायकॉर्ट जिनकी हम बात करें थे यहां हम इनके दरम्यान में डिफरेंस पड़ेंगे सबसे पहले हम इनका आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं दोनों के अंदर सीड कोड प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक यू सीड द आउटर पोर्शन द आउटर कवरिंग नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनको डायसेक्ट करके भी दिखाऊंगी और हम इन डिटेल देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं ठीक है ठीके? अभी आप पिक्चर से इसको ऑब्जर्व करें अच्छी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में आप सब बच्चे जो है वो सीड्स अपने घर से लेकर आएंगे और फिर मैं आपको वन बाय वन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड्स जो है वो दिखाऊंगी सो द आउटर कवरिंग ऑफ बोथ द सीड्स इज कॉल्ड सीड कोट और दोनों के अंदर जो है वो एम्ब्रियो प्रेजेंट है और दोनों में कॉटलेडन्स भी प्रेजेंट हैं अब इनके अंदर फर्क क्या है इनके अंदर फर्क ये है कि इसके अंदर आपको दो जो हैं वो कॉटलीडन्स uh, मिल रहे हैं uh, या टू लीव्स uh, जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है वेयर एज देर इज सिंगल कॉटेडन एंड लीव प्रेजेंट इन मोनोकॉट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाई एंड मोनोकॉट आपको इसके अंदर ये डबल कॉटलेडन्स जो हैं वो मिल रहे हैं ये देखें ये और इसके अंदर सिंगल होता है सो दिस इज दैट इज इज दिस कॉल्ड मोनोकॉट सिंगल एंड डाई टू नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड मेज सीड यानी कि जो छली होती है उसका जो सीड होता है दैट इज मोनोकॉट सीड और अब हम इसको कॉर्न के भी uh, वो होते हैं और मेज के जो है दोनों के मोनोकॉट सीड्स होते हैं और अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड हम किसके अंदर पढ़ेंगे मेज सीड में पढ़ेंगे मेज सीड इज़ अ मोनोकॉट सीड इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट सीड कोट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद सीड कोट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्टा द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो फ्रॉम एनी इंजरी यानी कि जो सीड कोट है ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है सीड कोट इज अ थ्रक्चर ये बहुत थिन सा स्ट्रक्चर होता है इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सीड इजिली और इसको इजिली सीड से रिमूव नहीं किया जाता लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे जो है वो इजिली रिमूव कर सकते हैं नेक्स्ट इज एंडोस्पम एंडोस्पर्म इज अलो कलर्ड टिश्यू इट इज अ टेम्पररी फूड सप्लाई दैट्स राउंड एम्ब्री and contains food material for the embryo. So my dear students जो endosperm है ये basically food reservoir होता है seed का और ये seed के अंदर ही present होता है और ये uh, embryo को germinate करने में help करता है यानी कि उसको energy provide करता है. So uh, seed के अंदर जो food storage है that is called endosperm. ये yellow color का होता है और ये क्या करता है ये energy provide करता है embryo को. So here you can see this is a monocot seed, and isme kaha hai endosperm? Let's have a look. This is the endosperm. This yellow color, this is called the endosperm. Or ye outer covering jo hai, this is called. Very good. This is called seed coat. Now let's move forward. Here you can see a picture of a monocot seed. This is a maize seed. So here this is the seed coat, which is also called testa. एंड देन वी स्टडीड अबाउट द एंडोस्पर्म ये जो सारा पोर्शन है येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है दिस इज दम और ये क्या है ये uh, reservoir है और इसके बाद अब आगे जाके हम पढ़ेंगे जो कॉटन लिडन है उनके बारे में और एम्ब्रू ये जो कॉटन लिडन है इसी के अंदर जो है वो एम्ब्रू प्रेजेंट है और एम्ब्रू के दो पोर्शन होते हैं पलम्यूल पलपलोम्यूल और रेडिकल नाव एम्ब्रू

and then the second part is part C is cotyledon. It is attached to the embryo. maize grain seed has single cotyledon. It is also known as scutellum. It cannot be divided into two pieces. or इसको दो pieces में हम divide नहीं कर सकते, जैसे कि dicot को हम divide कर लेते हैं. So my dear students, again आप इस previous picture को अगर देखें, तो आपको नजर आएगा कि जो radical है रेडिकल इससे रूट ग्रो होती है।, Whereas the plumule, इससे stem grow होता है और ये जो कॉटेड नहीं होते It is single cotyledon, single leaf होता है इसके अंदर और इसको टू पोर्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता <coughs> और ये एम्ब्रिय के बिल्कुल सात अटैच होता है कॉटेडन जो है सो हेयर अगेन यू कैन सी दीड seed coat embryo this is the cotyledon and this is this is the embryo and it has two parts one part is called this is the plumule and this is the reticle. okay my dear students now let's move forward towards the practice for practice you need to download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher write down your name and your class and then label this diagram this is the diagram of a monocot seed So you have to label all the parts: seed coat, um, embryo, and then there is endosperm. So you have to label all these parts of a monocot seed. And then the second part: encircle the right option. Here are some multiple choice question uh, given. You have to select the correct option. Let me do the first one for you. Seeds are divided into two uh, types: into two types or three types? Into two types. Very good. Maize seed is dash seed monocot or dicot? It is monocot. Maize seed is composed of two parts, three parts. Three parts. Endosperm is dash colored tissue, yellow colored tissue. The outer covering of seed is called seed coat. Plumule grows into the stem or cotyledon. It grows into stem. So, this is how you will complete the worksheet and complete it, and we will move forward. very good so my dear students now is the time for evaluation for evaluation I will ask a few questions quickly listen to them very carefully and then answer explain the role of testa it provides covering to the internal structure of the seed from which part of the seed new plant grows embryo very good so my dear students now quickly note down the homework for homework. <coughs> you will uh, come on page number 47 and you will do mcq number 4 and mcq number 5 in your books and then you will do question number 7 and 9 of exercise b given on page number 47 then you will do an independent activity given on page number 42 classify seeds of dry fruits into monocot and dicot. so aapko dry fruit ke seeds monocot or dicot mein uh, divide karna just say almonds dicot hair, walnuts bhi dicot hai. कैशू बी डाइकॉट है एड स्टैशो और मोनोकॉट सो दिस इज योर होमवर्क नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड द रैप अप फॉर रैप अप डे वी लर्न दैट द मोनोकॉट हैज अ सिंगल कॉटलिडन एंड एम्ब्रियोनिक लीव वाइल द डायट हैज टू कॉटल एंड टू एम्ब्रियोनिक लीव्स सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ आई आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोकॉट्स और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया होगा इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट Dicots and the comparison between monocots and um, dicots. So until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and hafiz.